और आपकी क्लास चल रहा था 11/11/1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी ऊंची थी ऊंचे बाप की, इनसे ऊंचा तो कोई और है ही नहीं। तो पूछा तो क्या समझते हो बताओ, किसी ने कहा पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ की बात नहीं, पुरुषार्थ का अर्थ कोई प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है ना यहां तो, यानी बाप कहते हैं ना यहां तो पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। यह विश्व में विजय करनी है तो फिर मदार किस बात के ऊपर है? पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। कैसी पवित्रता? एक बाप दूसरा न कोई। फिर उसमें नंबरवार हैं, कोई थोड़े समय के लिए एक बाप दूसरा न कोई, कोई लंबे समय के लिए एक बाप दूसरा न कोई। बाकी है तो सारी पवित्रता की बात। दुनिया की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? दुनिया के सारे काम अच्छे से अच्छे हों, पावरफुल से पावरफुल हों, कमजोर से कमजोर हों, खराब से खराब हों, कौन सी ताकत के आधार पर संपन्न होते हैं? पवित्रता के आधार पर। देखो कहते हैं रावण बड़ा राक्षस था, तो कौन सी पावर से इतना बड़ा बना? बताओ है कौन सी पावर से बड़ा बना? स्त्री की पावर से। अच्छा, इसलिए स्त्री को उठा लाया, मंदोदरी को, जिसकी बुद्धि मंद है उसको उठा लाया, उससे पावर बन जाती है? नहीं, उसको उठा लाया तो पावर गई नहीं। जब उसने तपस्या की थी ना, हाँ, लंबे समय की आत्मिक स्थिति की तपस्या की, तो उसे वो पावर मिल गई बाप से, आत्माओं के बाप से। क्या? प्योरिटी। जब तपस्या की तो एक की या दो चार की इकट्ठी की है? एक सारा। अब शास्त्रकारों ने तो लिख दिया है ब्रह्मा का नाम। अब ब्रह्मा नामधारी तो अनेक हैं, वास्तव में ब्रह्मा की तपस्या की या एक ब्रह्मा की तपस्या की है? परम ब्रह्म की बात है, तो उसको कहो एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप तो एक ही है ना। परम ब्रह्म कहो, परम पिता कहो, तो बुलाते ही हैं। जिसको बुलाते हैं वो एक नाम से बुलाते हैं या दो नाम से बुलाते हैं? पतित पावन आओ, पतित भी आओ और पावन भी आओ। पहले कौन आओ? पहले बुद्धि में कौन आता है? पहले बुद्धि में पावन आता है या पतित आता है? पतित, पहले तो उसका नाम पहले रख दिया पतित, पावन बाद में प्रत्यक्ष होता है। आए करके पराई दुनिया में, पराई किसी की है? पर की है, अपनी नहीं, स्व की नहीं। पराई माने पराशक्ति या अपराशक्ति, पराई माने है, क्या लिखा? पराई माने अपराशक्ति है,
हाँ बात तो सही है, आ माने नहीं और परा माने परे ते परे, जो परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची है। तो पराई दुनिया में आए करके और फिर पराए शरीर में, शरीर भी अपना नहीं, किसका पराया शरीर है, प्रकृति को क्या कहेंगे। ये जो शरीर बनता है वो अपराशक्ति से बनता है कि पराशक्ति से बनता है। अपरा माने नीची जड़त्वमयी बुद्धि वाली, तो बोला पराई दुनिया में पराए शरीर में आओ, फिर भी देखो तो बुलाते कहाँ हैं, है? कहाँ बुलाते हैं, स्वर्ग में बुलाते हैं, अच्छी दुनिया में बुलाते हैं या नरक में बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं, नरक में बुलाते हैं, है? अरे इतना पावन, और उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि बाबा इस पतित दुनिया में आओ। कैसी कैसी पतित है, कैसी कैसी पतित, जानवरों से भी बदतर काम करने वाली ऐसी पतित दुनिया में आओ, और फिर बहुत जन्म के अंत के भी अंत के जन्म में आओ। बहुत जन्म कितने, 84 जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बहुत जन्म हो गए ना पूरे, हाँ उसका भी अंत। तो 84 जन्म में जो वानप्रस्थ अवस्था के बाद की बात हुई वो भी अंत है, और उस अंत के भी अंत में ये क्या हुआ, 60 साल के बाद जो हुआ वो अंत हुआ है, और फिर उसका भी अंत, कुछ समझ में नहीं आया। 100 साल, अरे नहीं, जब सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो क्या कहेंगे, सूक्ष्म स्टेज धारण करे तो सूक्ष्म स्टेज दो प्रकार की है ना, एक तो शरीर से सूक्ष्म और दूसरा आत्मा से भी, आत्मा जो है देह में न फंसे, तो अंत के भी अंत में आओ, बिल्कुल ही पतित। बिल्कुल ही पतित कैसे है, बिल्कुल माने कितना पतित, अरे किसकी बात हो रही है बिल्कुल पतित है, कल तो बताया मैं पतितन को राजा, हाँ तो आदम, आदम का कनेक्शन कितनी मनुष्य आत्माओं से है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से कनेक्शन है, सभी उसके बच्चे हुए ना, तो बच्चे कनेक्शन में आते हैं कि नहीं बाप के, आते हैं। तो जो पतित बच्चे हैं, ज्यादा पुरुषार्थी ऊंचे पुरुषार्थी हैं कि नीचे पुरुषार्थी हैं, बच्चे तो नंबरवार नीचे ही है ना, तो बताया बिल्कुल पतित, पतित से पतित कहिए संग में आने वाली आत्मा जो आदम है उसको फिर ऐसा पावन, कैसी तरफ इशारा किया, ऐसा माने कैसा, लक्ष्मी नारायण की तरफ, नारायण की तरफ इशारा किया, ऐसा पावन बनाते हैं। देखते हैं कि नीचे इनके कृष्ण है ऊपर नारायण, क्या अंतर है, वो डायरेक्ट नर से नारायण और नीचे डायरेक्ट नहीं है, पहले प्रिंस कोई से पैदा हुआ और फिर उसके बाद नीचे दिखाया गया है, कैसा नीचा, क्या नीचा काम करता, ऊपर वाला तो एक दूसरे को देखता भी नहीं, ऊपर का जो लक्ष्मी नारायण है वो नारायण लक्ष्मी को देखता है, लक्ष्मी नारायण को देखती है, आंखों से देखती है, देखेगी तो क्या हो जाएगा, क्या पाप हो जाएगा, हाँ देखेगी तो व्यभिचारी बनी क्या, व्यभिचारी बनी क्या, बनी है? क्या बनी, हाँ देखना तो किसको है, देखना है
एक बाप को, आत्माओं के बाप को, जो आत्माओं का बाप कहता है कि भले संसार में कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो भी पार्ट मैं बजाता हूं, उसको देखती है। हाँ तो देखो अंतर हुआ ना, नीचे जो कृष्ण खड़े हैं, राधा खड़ी है, और ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, वो खड़े हैं, तो उनके कर्म में कुछ अंतर हुआ, पता चला नहीं पता चला? हाँ पता चला। हाँ वो नीचे वाले दूसरे को याद कर रहे हैं, उससे तो नीचा ही है ना, जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी आत्मा है उससे नीचा है, और उसी से जन्म लेती है। तो अंतर हुआ ना, क्या अंतर हुआ? वो आंखें जो है इंद्रियों से सुख लेती है राधा कृष्ण, और वो ऊपर जो खड़े हैं वो इंद्रियों का भी सुख नहीं लेती। तो जब बाबा बहुत क्लियर करके बैठ करके समझाते हैं, देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र में बहुत क्लियर करके समझाया ना कि सृष्टि की जो पहली पीढ़ी है ऊंचते ऊंच, और फिर उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी है नीचे वाली, वो नीचे कैसे बनी? ऊपर वाली इंद्रियों से भी परे की स्टेज का पुरुषार्थ करती, और नीचे वाली इंद्रियों से पुरुषार्थ करती तो सुख भोगती इंद्रियों का, तो फिर नीचे हुई ना, इंद्रियां तो नीचे ही ले जाती है। तो ऐसा श्रेष्ठ बनने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए कि जो भी इंद्रियां हैं शरीर में, उनमें सबसे ऊंची इंद्रिय कौन सी मानी जाती शरीर में? आंखें। लेकिन और उसके बाद तो नंबर वार है ना, उसके नीचे कान है, फिर नाक है, फिर मुख है, फिर स्पर्श इंद्रिय है, हाँ फिर उसके बाद कर्म इंद्रियां हैं, भ्रष्ट इंद्रियां जिन्हें कहा जाता है। तो उन सब का संग छोड़ करके एक का संग करें जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से सदा परे का पार्ट बजाने वाला है। तो ऐसा महावीरपना, महावीरनी पना चाहिए ना, महावीर और महावीरनी दोनों खड़े हैं ना, कौन? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी। काय क्यों बने सन्यासियों को, जो दुनिया में सन्यासी हैं वो भी तो त्याग करते हैं ना, लेकिन वो कायर है या क्या कहेंगे? कायर नहीं है, वीर हैं, ये महावीर हैं, क्या कहेंगे? अरे वो तो कायर हो गए ना। क्या कायर हो गए? के साथ ही छोड़ दिया कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ दिया, समाधि में बैठ जाते हैं एकदम, नील में चले जाते, ना हम ज्ञान इंद्रियों से सहयोग लेंगे ना कर्म इंद्रियों से सहयोग लेंगे, बस निल में चले जाते। चले जाते कि नहीं? हाँ। तो ये कायरपना हुआ ना, क्या क्या हम कुश्ती भी लड़े नहीं और हम बड़े भारी पहलवान दुनिया में साबित हो जाए, जंगल में भाग जाए। अरे कोई कहे जेल में 10-20 साल निकला हुआ कोई कैदी कहे हमने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो पालन किया या मजबूरी? क्या कहेंगे? मजबूरी हुई ना। हाँ मजबूरी, ये तो कायरता की बात हो गई ना। तो देखो कायर क्यों बने जबकि ये खटाऊ पुट है? ये क्या हुआ? अरे ये बड़े ते बड़ी कमाई है, खटाऊ पुट वाली, ये तो दिल खट्टा कर देने की सन्यासियों के लिए बात हो गई। अभी तक जन्म जन्मांतर से सन्यासी ये कहते रहे, क्या पक्का भाधारणा बन गई कि आग और कपूस इकट्ठे रह करके साथ रह नहीं सकते, आग जरूर लगेगी काम विकार की। तो अब उनसे ये कहा जाए कि नहीं, साथ भी रहो और
मन बुद्धि से अतीत भी हो जाओ, मन बुद्धि से याद ना आए संकल्पों में। तो ये दिल खट्टा करने वाली बात हो गई कि नहीं? उनके लिए नहीं हो गई? हो गई। तो सबसे जबरदस्त कमाई तो इसी में है। क्या? घरग्रस्त व्यवहार में इंद्रियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि एक बाप में लगी रहे। क्या? इंद्रियों के सुख में बुद्धि बिल्कुल न जाए, फिर से कमाई में कमजोर रहेगा है? हाँ? इस कमाई में, किस कमाई में? जो बाबा ने बताई कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते मन बुद्धि से एकदम उपराम। तो इस कमाई में कमजोर रहेगा, और वो उस कमाई में जो सन्यासियों, दुनिया के सन्यासियों वाली कमाई है, उसमें तीखे रहेंगे हा? तो क्या फायदा होगा? दूरबाज खुशबाज हो गए ना, दूरबाज हो गए और खुशबाज हो गए, हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तो क्या फायदा है? वो तो बाकी थोड़े रोज की बात है ना। क्या क्या थोड़ा रोज? अरे सन्यास धर्म इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आता है। जो दुनिया भी सन्यासी हैं, घर घर छोड़ के भाग जाते हैं, वो थोड़े समय के लिए आता है कि तीन युगों, वो तीन चौथाई टाइम के लिए आता है नहीं? इस दुनिया में जो जो फर्स्ट क्लास पहला पहला शंकराचार्य आया, तब से ये सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो भाई घर घर छोड़ के, चाहे अम्मा हो, चाहे बीवी हो, चाहे बाल बच्चे हो, सबको छोड़ करके और जंगल में रहो, दूर रहो, दूर बाज खुशबाज। तो ये तो थोड़े रोज की बात हुई ना। तो जो भी लखापति, करोड़पति, पदमपति, जो भी कोई है ना, वो तो सब मिट्टी में मिल जाने का है। क्या इस बात में कुछ संशय पड़े तो फिर समझा सके इनको कि भाई ये तो देखते हो है सन्यासी जी, महाराज तुम खुद देखते हो, विलायत में रहते हो कि नहीं? सन्यासी आजकल विलायत में बहुत हवाई जहाजों की सैर करते कि नहीं? हाँ, विलायत में रहते हो। कहाँ रहते हो? हांगकांग में जाते हो ना? क्या नाम दिया? हांगकांग। हाय मेरे अंग, कांग मेरे अंग, पता ही नहीं रहता। आए माता जी हंस रही, हांगकांग में रहते हो ना? देखो वहां भी बॉम्ब्स के लिए क्या क्या करते हैं है? क्या कहते हैं? अरे हम ऐसे बॉम्ब बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जो बस उनकी हवा भी नाक में चली गई है, अंदर जाएगी तो बस खत्म हो जाएगी। क्या ऐसे नहीं बम फटे और पहाड़ी इलाके को तोड़ दे और पत्थर उड़े और पत्थर लगे जाकर के तब मरे? नहीं, उनकी जो बदबू निकलेगी ना, चाहे हद के बम हो और चाहे बेहद के ग्लानी के बम हो, उनकी जब बदबू उड़ती है ना, तो बस आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने वाले होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या उनको क्या कहा जाता है? पुरुषार्थी उनको कहेंगे कि नहीं? कैसे पुरुषार्थी है? अरे पुरुष अर्थ कि देह अर्थ? पुरुष अर्थ पुरुषार्थी होंगे वो भी खलास हो जाएंगे, और जो देह अर्थ पुरुषार्थ करने वाले होंगे है? अब भाई हम सबसे अच्छा अच्छा खाएंगे, दूसरों को मारो गोली, है ना? अरे ब्राह्मण की दुनिया में भी होंगे कि नहीं? सेंटर सेंटर में बैठे होंगे कि नहीं? सब सेंटर में ऐसे बैठते हैं। हा, दूसरों को ऐसा भोजन खिलाएंगे वो भाग जाए और खुद
हाय हाय बढ़िया बढ़िया, हाँ अनेक कई दिनों के लिए बना के रख लेंगे। ऐसे बनाते हैं, हैं क्या बॉम्ब, अरे हाँ अरे बॉम्ब फट रहे हैं, तुम तो सो रहे हैं। ऐसे बनाएंगे जो बस उनकी हवा भी अंदर जाएगी तो बस खलास, हाँ बस खत्म हो जाएंगे। समझा? क्या समझा? तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों ने क्या समझा? वेद की बात समझी कि हद की समझी? क्या क्या समझी? कि ग्लानी की ऐसी कड़क ग्लानी निकलेगी कि उसकी हवा भी अंदर जाएगी तो बस आत्मा का पुरुषार्थ सारा खत्म, फिर देवान की दुनिया में चले जाए। छोड़ो ज्ञान ज्ञान सब झूठा। ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाते हैं और बनाना भी उनको ऐसे है, उनको दूर वालों को है, दूर वाले हैं कि बाबा की दिल में है, कैसे हैं? दूर वाले विलायत में है, अमेरिका के नजदीक में। सबसे ज्यादा बॉम्ब किसके पास है? किसके पास है? अमेरिका, अमेरिका कि दूसरे के? हाँ दिल किसके पास है? हाँ मेरे का नहीं, माया। अच्छा, ड्रामा के प्लान अनुसार उनको बॉम्ब्स भी ऐसा बनाना है, किनको है? बॉम्ब बनाने वाले जो विलायती लोग हैं उनको बॉम्ब्स भी ऐसा बनाना। कैसा बनाना? कि सूंघने मात्र से ही खेल खलास। जो कोई भी मनुष्य को तकलीफ नहीं जाती होगी, क्या जो आखिरी विनाश होगा ना चतुर्थवी सिद्ध, कैसा विनाश होगा? बाप क्या चाहते हैं? सारी दुनिया का विनाश हो तो बहुत तकलीफों से मरे हैं, अकाल में है, बहुवृष्टि में, जैसे बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है ना, हाँ तो मरते रहते हैं, या जलमयी होती है तो डूब डूब के धीरे धीरे मरते रहते हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? एकदम खलास। क्योंकि पीछे कोई अस्पताल वगैरह नहीं रहेंगे, है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो हॉस्पिटल थी कि नहीं दुनिया में? आओ तो छोटी छोटी बॉम्बियां थी, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के ऐसे बॉम्ब बनाए हुए हैं, हाँ इकट्ठे करके रखे हैं, हाँ ऐसे नहीं समझना, समझाना बच्ची, हाँ कहाँ इकट्ठे करके रखे? जमीन में भी दबाए हुए हैं, किसी को पता नहीं मिलेगा कहाँ, जैसे उनकी अंडरग्राउंड मिलिट्री हो गई, और ऊपर हवाई जहाजों में आकाश में उड़ रहे हैं, है कि नहीं? और समंदर में भी, समंदर में भी वो जो क्या होती है सबमरीन, क्या होती है, हाँ पनडुब्बिया, हाँ बड़ी वाली, तो उसमें रखे हुए गुप्त। तो ये ट्रायल जबकि हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ में की थी ना, तब तो हॉस्पिटलें थी कहाँ कहाँ, हिरोशिमा हीरों की, जहां क्षमा तैयार हुई पड़ी थी, क्या हीरों की क्षमा, श्रेष्ठ आत्माओं की या भ्रष्ट आत्माओं की? हीरों, हीरे जैसी आत्माएं, हद में भी और बेहद में भी। नागासाकी, जो नाग होते हैं, नाग जानते किसे कहते हैं? हाँ काम बेकार अगर देखना हो तो नागों में देखो, तो नाग और साकी, वो गग्गी तक आते हैं ना, मुझे मस्त साखी पिला दे मुझे मस्त, अरे भाई कौन सी साकी तुम्हें याद आ रही है? हाँ तो वो नागासाकी की तरफ में पहले बहुत अस्पतालें थी,
और जो लास्ट विनाश होगा ना चतुर्थ विश्व युद्ध, तीसरा भी नहीं चतुर्थ विश्व युद्ध, उसमें तो ये बॉम्ब ऐसे ऐसे फटते रहेंगे धीरे धीरे कि चतुर्थ विश्व युद्ध आखिरी विश्व युद्ध होने तक तो ये हॉस्पिटल है सब, न डॉक्टर रहेंगे न हॉस्पिटल रहेंगी है न दवाइयां रहेंगी, रहेंगी नहीं, ये थेरापी दुनिया भर की निकल रही, थेरापी निकल रही है ना वो सब खलास है। किसी का हाथ टूटा अभी क्या करते हैं, कोई का हाथ भी टूट जाए तो अस्पताल में जाओ, अभी तो अस्पताल है तो रहेंगी ही नहीं, ऐसी दुनिया आने वाली है, सभी खत्म होने का है। क्या ऐसे ना समझे कि भाई हाथ टूट गया बांह टूट गई सही होगी रूपी, बांह टूट गई तो चलो हॉस्पिटल में थोड़ी दवा दारू हो जाएगी है और वो मिल जाएगा सफा नहीं। इसलिए जो कुछ भी बनाते हैं है, जो बॉम्ब बनाते हैं या वो क्या बनाते हैं, यहां बैठे बैठे छोड़ते हैं और जिस देश पे छोड़ना चाहेंगे एग्जैक्ट उसी देश के ऊपर जाके गिरेगा, न पीछे न आगे। क्या नाम देते हैं उसको, मिसाइल। हाँ शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है ना, और थोड़ा उन्होंने नाम बदल दिया है, मूसल नाम दे दिया और कह दिया है, लिख दिया है पेट में से मूसल निकले। अरे पेट, उस पेट की बात नहीं, देहधारी जो हर बात स्थूल में समझ लेते हैं, देह की बातें पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें देह के सुखों में मजा आ रहा है ना, ऋषियों मुनियों को। अब दाढ़ी मूंछ वाले हैं कि नहीं, काली मूंछ वाले, देवताएं तो है नहीं, है तो भिखारी, तो उन्हें देह याद आती है तो पेट याद आ गया, पेट के मूसल याद आ गया। अरे भाई पेट में से मूसल नहीं निकलते हैं, ये तो बुद्ध रूपी पेट है, जिस बुद्ध रूपी पेट में से उन वृषवंशियों को कहो जो ज्ञान की बरसात बहुत भयंकर करते हैं, ऐसी ज्ञान की बरसात करते हैं कि जलमयी हो जाती है, डूबम डूब बोढ़न बोढ़, बहुत बड़ी वो बाढ़ आती है तो क्या अंतर पड़ता है, उसमें देहवान की मिट्टी मिलती है कि नहीं, हाँ इतनी देहवान की मिट्टी के सब अंधे हो जाते, जो काम विकार वाले सर्प है ना अब पूरे अंधे हो जाते, तो सबको फट से खलास करने के लिए ये जो कुछ बनाते हैं बनाते रहते। हाँ इतना जरूर है कि भारत में जो विनाश होता है तृतीय विश्व युद्ध में, महाभारी महाभारत विश्व युद्ध में, वो वो अंतर है, वो खून की नदियां बहती है। क्या जो देहयानी होंगे वो स्थूल खून समझ लेंगे और जो ब्राह्मण होंगे उनकी बुद्धि में तो आ जाएगा, हमारी बुद्धि में तो ज्ञान है, है? आत्मा का खून कौन सा है, संकल्प विकल्प, तो संकल्पों विकल्पों का ऐसी नदियां बहेंगी, खून बहेगा है? आपस में टकराएंगे ना संकल्प विकल्प, तो ऐसी खून की नदियां बहती हैं कि भारत में जहां घी की नदी बहती थी कभी स्वर्ग में बहती थी ना, फिर क्या बहेगी, खून की नदी बहेगी। बहुत संकल्प विकल्पों की खून की नदियां आपस में टकराएंगी है? तो संकल्प विकल्पों का खून बहुत टकराता है तो आत्मा कमजोर बनती है कि पावरफुल बनती है, बहुत कमजोर बन जाती है, बनती है कि नहीं, हाँ अनुभवी तो है, हाँ बहुत आत्मा कमजोर बनती है, है? तो छुरियां ही छुरियां है, तलवारें ही तलवार है, कितनी चलती है, हाँ किसके किसके बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। मुसलमान नाम क्यों दिया, मुसलमानों, मुसल को बहुत प्रेफरेंस प्रियोरिटी देते हैं, उनके पास मुसल है, और हिंदुओं को, हिंदुओं को, हिंदू तो पवित्रता को ज्यादा महत्व देते हैं, है? कि मूसल को ज्यादा महत्व देते हैं, नहीं
तो हिंदुओं की और मुसलमानों की छुरी चलती है। 11/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो देखो, तो बाकी थोड़ा जीने के लिए है 40 एज तो हुई होगी क्या है? अरे ये वाणी कब की है? 67। और बाबा ने बोला कितनी बच्चे? तो किसी ने कहा 41। हा 40, 41। अच्छा, और बाकी है ही ये 8-9 वर्ष क्या? और दुनिया खलास होने में बाबा कितने वर्ष बता रहे थे? बाकी है ये 8-9 वर्ष। सो भी 3-4 वर्ष के पीछे तो थोड़ा हाई दोष मचना शुरू हो जाएगा। 3-4 वर्ष के पीछे 67 की वाणी है, 68, 69, 70, 71 में हाय दो समझना शुरू हो जाएगा। कहां ना कहां अर्थकेक होंगे, अर्थकेक होंगे कि नहीं? अर्थकेक माने अर्थ माने धरणी माता, धरणी माता ही लेगी। हा भारत पाक युद्ध हुआ ना, हाँ स्थूल की दुनिया में वो हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, तो हा हा कार मच जाएंगे। अर्थकेक होगी, धरणी हिलेगी, धरणी माने कन्याएं माताएं हिलेंगी, तो क्या होगा? हाँ, उनके आधार पर जो भी चल रहे हैं स्टूडेंट वो सब टूटने लग पड़ेंगे। तो फिर क्यों ना पहले से ही, अगर निश्चय है कि पवित्रता ही मुख्य चीज है, है? इंद्रियों की पवित्रता, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की पवित्रता ही मुख्य है। और बुलाते भी हैं पवित्र बनने के लिए, किसको है? किसको बुलाते हैं है? पावन बुलाते हैं। अरे गीतों में क्या कहते हैं जब गाते हैं तो? हाँ कहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। फिर भूल जाते हैं रघु किसको कहा जाता है, रघु माने सूर्य। तो पवित्र करने के लिए, बनाने के लिए बाप भी आते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए आते हैं, है? पतित को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बड़े से बड़े पतित को पावन बनाने के लिए आते हैं के 500-700 करोड़ को इकट्ठा पावन बनाने के लिए आते हैं, है? हाँ अच्छा, 500-700 करोड़ को पावन बनाने के लिए आते हैं। हाँ जो मैं पतितनों को राजा जिसने मैदान में कह दिया मोटा मोटा ग्रंथ लिख करके, और किसी ने नहीं लिखा कि मैं पतितन हूं, आओ तो अपनी बढ़ाई करते रहे, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, मैं हनुमान हूं, मैं भगवान हूं, मैं गणेश हूं, मैं भगवान हूं, मैं देवी हूं, मैं भगवान हूं, और अपनी अपनी बढ़ाई कर दी। और तुलसीदास ने क्या कहा? मैं पतितन को मैं सबसे नीच हूं, स्वीकार कर लिया। अच्छा, इसलिए बाबा भी कचहरी करते हैं। क्या करते हैं कि जो महावीर हो तो वो क्या करें, सब कचहरी में सब पूरा क्लास बैठा हुआ है, चाहे 1000 हो चाहे 500 हो, सब के बीच में बैठ के बताएं मैं कैसे पतितन को राजा हूं, सबसे जास्ती मैं पतित हूं। और देखो आया भी रावण राज्य में है, है? कौन कौन पावन बनाने वाला आया भी रावण राज्य में, पतित राज्य में, और पतित शरीर में। और इतना क्लियर करके समझाते हैं क्या ऐसा पतित शरीर, एक के साथ पतित बने तो कम कहेंगे, 2, 4, 10, 20, 50 के साथ
और क्रिश्चियन से ज्यादा 100-200 के साथ, कहीं शादी कर गए, कहीं गुड्डू को छुपे करते हैं ना, तो वो इतना क्लियर करके बताते हैं, इतना पतित शरीर जिसका पतित पने का कितनों के संग कोई हिसाब ही बुद्धि में नहीं आ सकता है कि इतनों के साथ भी पतित बन सकती है कोई मनुष्यात्मा। इतना क्लियर करके समझाते हैं, बिल्कुल क्लियर। अगर क्लियर और समझाने का है, है तो कौन समझाएगा, है तो बाबा, बाबा के सिवाय और कौन समझाएगा। बाकी प्रतिज्ञा के लिए पुरुषार्थ करेंगे, है क्या करेंगे, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए करेंगे न कि देहार्थ, देह के लिए थोड़े ही करेंगे, है पुरुषार्थ करेंगे, है क्योंकि ये जो पुरुषार्थ करने का है ना, आत्मा के अर्थ करने का, क्यों, क्योंकि जन्म जन्म अंतर देह के अर्थ किया और अभी भी देह के अर्थ कर रहे हैं। भोजन वोजन खाते हैं तो याद आता ही नहीं, हाँ कोई माता बढ़िया बढ़िया बना के लाके दे तो खाएंगे, हाँ बुद्धि में आता है ना, तो देह अर्थ हुआ, संकल्प आया तो देह अर्थ हुआ या आत्मा के अर्थ हुआ, क्या कहेंगे, देह के अर्थ हुआ ना, हाँ तो बताया, ये तो कमजोरी हुई ना जन्म जन्मांतर की, देह अर्थ संकल्प करना, देह अर्थ आंखों से देखना, देह अर्थ देह को सुख देने के लिए कानों से या इंद्रियों, कोई भी इंद्रियों से कर्म करना, तो कमजोरी की बात छोड़ना, क्योंकि यही है ये जो क्रिमिनल आई है ना, बाबा कहते हैं ना बच्चे ये बहुत धोखा देने वाली है, क्या बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बताए देते हैं बच्चे जिससे लगाव लग जाए उसको देखना भी नहीं है, हाँ अगर एक बार भी देखा तो चिमट जाएगी, पकड़ लेगी, जैसे वो चीटा होता है ना, चीटा देखा, एक चीटी होती है छोटी वाली काली काली, और एक होता है बड़ा काला चीटा, देखो हलवाइयों की दुकान में ज्यादा होता है, तो वो अगर किसी को काट ले तो उसको आधा आधा तोड़ दो शरीर को, तो वो अपना जो मुंह गड़ा दिया ना दांतों वाला वो छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ के रखेगा। तो ऐसे ही है ये, आंख से भी अगर देखा एक बार तो बस पकड़ लेगी, तो जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, बहुत देखा देने वाली आंख है, इसको कब्जे में जरूर रखना पड़े है। तो ऐसा भी कोई निकला होगा कैसा है कि आंख से देखा लगाव लगा और याद आने लगी तो बस फट से छोड़ दिया, क्या अब तो चाहे तलवार चले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े बड़े युद्ध हो जाए, अब जाओ बाबा ने मना कर दिया तो अब वो काम अब नहीं देखना। तो बाबा कहते हैं भले देखें, हैं आंखों से भले देखें, ये आंख से नहीं देखेंगे तो तीसरी आंख से तो देखेंगे ना, तीसरी आंख तो जब तक पवित्र नहीं हुई है मन तो जावेगा ना, तो भले ख्यालात आवे, हैं कितने भी बुरे ख्यालात आवे, हैं हाँ कोई हर्जा नहीं, ख्यालातों की कोई पाप नहीं बनेगा, हाँ परंतु विकर्म नहीं बनना चाहिए, विपरीत कर्म। विपरीत कर्म कैसे बनता है, ज्ञानेंद्रियों से बनता है या कर्मेंद्रियों से बनता है, हाँ विपरीत कर्म नहीं बनना चाहिए, विपरीत कर्म नहीं करना है, क्या विपरीत कर्म कर्मेंद्रियों से है, अरे पतित दुनिया में बता दिया पतित तो सब होते हैं है? परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित नहीं, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो ऋषि मुनियों की मनुष्य आत्माएं हो, और चाहे वो राक्षसी आत्माएं हो, ये बेकायदे काम है,
ईश्वरीय कायदा नहीं है। अगर ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ चलेंगे तो नीची दुनिया में जाएंगे या ऊंची नई दुनिया में जाएंगे? नीची दुनिया में। तो पहले से बता देते हैं, ख्यालात तो बहुत आएंगे, मन की आंख में बहुत ख्यालात आवेंगे, तूफान बहुत आवेंगे। कब की बात बताई? जब इन आंखों से देखना छोड़ देंगे तब की बात बताई। आवेंगे, दीवे को बुझाने के लिए तूफान बहुत आवेंगे। आत्मा रूपी जो दीपक है ना, उसको बुझाने के लिए माया बहुत तूफान लाएगी। ये गारंटी है। क्या क्या गारंटी है? कि कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है, कहलाता नहीं दो। माया दीवा बुझाएगी, परंतु हिम्मत रखनी पड़े। किसी ने कहा दे अभिमान छोड़ने की। हाँ देखो, ये भी सभी जो भी यहां हैं, क्या यहां बाबा के सामने बहुत बैठे होंगे ना? हाँ, तो जो मुरली चलती है तो पहले सामने वालों के लिए चलती है कि बाहर वालों के लिए चलती है? हाँ, जो भी यहां बैठे हैं, यहां कोई भी वो नहीं आते हैं, है? इन सब की प्रतिज्ञा की हुई है, और ये तो थोड़े हैं अभी, परंतु यहां तो आधे ही रहे। तीन तीन चार चार, तो ये किसी को हुक्म ही नहीं है। क्या समझो, कोई ऐसे कर लेते हैं कैसे कि जिससे लगाव लग गया, उसको आंखों से देख लिया है? और लगाव पूर्वक देख लिया, ऐसे कर लेते हैं। समझो आए करके ऐसे यहां आए करके फेल होते रहते हैं। बाबा कहते हैं फेल होते हैं ना, नहीं होते हैं, फेल होते हैं। तो वो चिट्ठी जरूर लिखते हैं, क्या बाबा को पोता में लिख करके जरूर। या ऐसे नहीं कि मुंह जवानी बता दिया, आज बता दिया और कल दूसरों के सामने कहा नहीं हमने कहां कहा था, पट से झूठ बोल दे तो बाबा ही झूठ हो जाएगा। तो इसलिए लिख के जरूर चिट्ठी देवे, बाबा हम गिर गया। अच्छा, तो मैं उनको लिख देता हूं, देखो तुम है, मैं तुमको गोरा बनाने लगा। किसने कहा? शिव बाबा ने। वो कैसे कहेगा? ऊपर वाला हर बात में ऊपर इशारा कर देते, ऊपर है। अरे नीचे आया हुआ है कि ऊपर है? नीचे आया हुआ है ना, तो गोरा कैसे बनाएगा? नीचे आए बगैर गोरा बनेगा या ऊपर से कोई क्या नाम प्रेरणा दे देगा? हाँ, शिव बाबा नीचे आएगा, बाबा कहा जाएगा, ऊपर तो बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, नीचे आता है तो बाबा भी कहा जाता है। तो बोला मैं तुमको गोरा बनाने लगा। कैसे कैसे गोरा बनाने लगा? अरे तुम काले कैसे बनते रहे? कौन सी इंद्री से काले बनना शुरू हुए? कौन सी इंद्री ने पहले धोखा देना शुरू किया? आंख ने। हाँ, तो मैं तुमको आंख से गोरा बनाने लगा। अरे बाबा दृष्टि देते थे ना? हाँ देते थे। अब मर गए कि रह गए? अब वो बाबा शिव बाबा मर गए कि जिंदा हैं? अभी भी जिंदा हैं, इनको मालूम है, सबसे ज्यादा तुम्ही को मालूम है। क्या? हाँ बाबा जिंदा हैं, हमने देखे जिंदा। हाँ मैं तुमको गोरा बनाने लगा, तुम फिर भी काला बन गया। तेरे की मैंने गई काला मुंह कर लिया।
अभी तो चोट बहुत लगेगी। क्या काला मुंह कर लिया यहां आकर के है तो बहुत चोट लगेगी तुमको, बहुत सजाएं होंगी। अरे बहुत 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 कह के डरपाती क्यों है? है बहुत सजाएं होंगी। अरे तुम अपनी माला बनाओ ना संगठन की, अच्छे अच्छे बच्चों की। यो क्या नाम डरपाती काय के लिए हो? धर्मराज की सजाएं होंगी, ये होगा वो होगा। अरे बताया बहुत सजाएं पहले बच्चों को होती हैं। धर्मराज जो जज बन के बैठता है दुनिया का सबसे बड़ा, वो पहले बच्चों को सजा देगा कि दुनिया वालों को देगा? पहले तो अपने बच्चों को सजा देगा ना, ताकि दुनिया वाले ना कहें कि ये तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो, अरे पक्षपात करते हैं। हाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ वही पार्टी क्या पार्शियलिटी करते हैं। हाँ पार्शियलिटी करते हैं। तो बहुत सजाएं होंगी तो पार्शियलिटी करते हैं, लोग कहेंगे ना है? जो अपने नजदीक होते हैं जन्म जन्मांतर के उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, और जो दूर होते हैं उनके साथ पार्शियलिटी करते हैं। बहुत सजाएं क्यों होंगी? बहुत और कम सजाओं का भी हिसाब होगा कि नहीं है? क्या हिसाब होगा? माला में जो बच्चे नीचे के वर्ण के होंगे तो उनको ज्यादा सजाएं, और उसमें भी दो प्रकार के, एक लेफ्टिस्ट और एक राइटियस। तो ज्यादा सजाएं किसको? लेफ्टिस्ट को। और उसमें भी मालाएं तो अनेक हैं, 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, कहते हैं ना श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज, उन्होंने टाइटल रख लिया ना अपने ऊपर, है तो बाबा के टाइटल। तो 1000 आत्माओं में 500 हुई राइटियस भुजाएं, 500 हुई लेफ्टिस्ट भुजाएं। सहयोगी तो बनती है ना, सहयोग देती है कि नहीं? तो जो सहयोग देती है काम में तो सहयोगी भुजाएं। अब लेफ्टिस्ट है या राइटियस है वो अलग बात। तो सजाएं ज्यादा किनको होंगी? लेफ्टिस्ट को, राइटियस को। और लेफ्टिस्ट में भी जो ऊपर की होंगी या नीचे की होंगी? लेफ्टिस्ट में भी जो नीचे के मणके होंगे हैं उनको सजाएं जाते। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो नीचे से मणकों से ऊपर चढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे? नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। तो बताया बाबा समझाते भी रहते हैं, हैं? समझाते हैं कि वो कन्हैया आया है, वो कन्हैया है। ये नहीं कहा ये कन्हैया, क्यों ऐसे क्यों नहीं कहा? ये कन्हैया क्यों नहीं कहा? कि ये तो सतयुग का 16 कला संपूर्ण कन्हैया है, इंद्रियों से सुख खुद भी लेता है और दूसरों को भी यही बात सिखाई देता है, इंद्रियों को सुख लो और नीचे गिरो, हम भी ना रगड़े और तुम भी ना रगड़ो इस दुनिया में। हाँ ये ऐसे सिखाता है। तो वो कन्हैया, ये कन्हैया नहीं, ये कन्हैया माने कौन? ये ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, ये कन्हैया नहीं जो शास्त्रकारों ने लिख दिया 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भगवान, वो नहीं। हाँ ये कन्हैया नहीं, वो कन्हैया आया हुआ। देखो कितने बरस के पीछे आया है, है? हाँ वो कन्हैया को देखो कितने बरस के पीछे आया है। अरे कहाँ आया है? वो 30-28 बरस के पीछे शायद आया हुआ है। 67 में से 28 साल निकाल दो तो कितने साल बचेंगे? हाँ 30-33 साल बचेंगे, 33 साल 34 साल ऐसे ही समझ लो, जो भी। तो इतने बरस के पीछे आया हुआ है, माना क्या आ गया था 67 में ज्ञान में? आ गया था, आ गया था नहीं? आ गया होगा। अरे आ गया होता तो ऐसे क्यों कहते 5 दिसंबर?
क्या कहा? 5 दिसंबर को सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप दादा, जो नमस्ते नहीं करते हैं, देह अभिमान ज्यादा दिखाते हैं, किसी को माथा नहीं झुका कि नमस्ते, बड़ा अहंकार रहता है। दादा नमस्ते करते हैं कि बाप नमस्ते करते हैं? दादा नहीं करते हैं, बाप नमस्ते करते हैं। तो वो 28 वर्ष के पीछे शायद बाबा को वो भी पक्का याद नहीं कि 28 वर्ष हुए या 30-33 कितने साल हुए पीछे आया हुआ है। तो किसी ने कहा हाँ आया हुआ, जिसने कहा उसने किसके लिए समझ लिया? उसने ब्रह्मा बाबा के लिए समझ लिया। अब है किसकी बात? तो वो बाप के पास है, क्या बाप के पास के बाप से दूर? कौन से बाप के पास? सुप्रीम सोल बाप के पास। हाँ, और कुछ खजाना नहीं ले जावे, माने दुनिया भी खजाना नहीं ले जाएगा। कौन सा खजाना? बाप निराकारी, तो कौन सा खजाना ले जाएगा? हाँ, अकूट ज्ञान का निराकारी भंडार, वो खजाना लेने आया हुआ है। तो जो, तो फिर क्या काम का अगर जो दुनिया भी खजाना ले तो क्या काम का? भले ये थोड़ा बहुत खजाना ले जाते हैं, ये अभी वो नहीं कहा, भले ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा, ये थोड़ा बाजू में बैठे हैं ना ब्रह्मा बाबा के, तो ये थोड़ा बहुत खजाना ले जाते हैं। थोड़ा बहुत माने बेसिक ज्ञान ले जाते हैं कि एडवांस ज्ञान ज्यादा लेते हैं? बेसिक ज्ञान ले जाते हैं। आएंगे जरूर, क्या आएंगे जरूर ये स्वर्ग में भी, ऐसे नहीं कि ये स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन 16 कला संपूर्ण इंद्रियों का सुख लेने वाले स्वर्ग में आवेंगे, कलातीत इंद्रियों से परे का। क्या इंद्रियातीत, कलातीत या इंद्रियों का सुख की दुनिया में? कलातीत, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आएंगे जरूरी है, बाकी जो छठी कोठी मांगते हैं है? बाकी जो छठी कोठी मांगते हैं, दिलवाड़ा मंदिर याद आ गया, छठी कोठी, पहली नहीं, पहली तो वो बैठा हुआ है ऊंचते ऊंच बीच में, दिलवाड़ा मंदिर में मंदिर बना है, बड़ी बड़ी मूर्ति, फिर बाद में और भी तो कोठरियां है ना, तो उन कोठरियों की बात बताई। छठी कोठी मांगते हैं, छठी कोठी क्या हुई? ये इसने मुझे सुनाया कि पसंद की है छठी कोठी। क्या छठी कोठी पसंद की हुई? तो किस धर्म से कनेक्टेड हुई है? सिख धर्म से कनेक्टेड हुई, ये कोठी पसंद आई ब्रह्मा बाबा को। क्या इस कोठी में रहेगा? कहता है छठी कोठी बाबा को पसंद आई, रुद्रमाल के छठे नंबर में छठी बादशाही। क्या विजयमाला की नहीं? राजाएं राजयोग सीखने आए हो ना, तो राजा बनने वाले रुद्रमाला में होंगे या विजयमाला में होंगे? विजयमाला पहले बनेगी, लेकिन उसमें रानियां निकलेंगी। क्या पवित्रता की पावर जो ग्रहण करती हैं, ज्यादा है, इकट्ठा करती हैं, वो रानियां कन्या माता इकट्ठा करती हैं कि ओ ओ जन्म जन्मांतर पुरुष जन्म लेने वाले वो इकट्ठा करते हैं है? ओ पुरुष तो है इस दुनिया में 63 जन्मों से दुर्योधन दुशासन, वो क्या इकट्ठा करेंगे? उनकी तो आदत पड़ी हुई, वो अपना जो क्या नाम वर्षा है ना जन्म जन्मांतर, वो नहीं भूलने वाले। हाँ, तो बताया रुद्रमाल के छठे नंबर में छठी बादशाही,
इन्होंने पसंद कर ली। हाँ अभी क्या विचार करते हो है? सोच करो, छठी बादशाही लेनी है, या पहले नंबर की लेनी है? बादशाही होती है ना। हाँ बादशाही कहाँ करते हैं, राजधानी में बैठ के करते हैं कि बिना राजधानी के बादशाही करते हैं? हाँ राजधानी, राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। तो छठे नंबर की धारणा शक्ति कौन हुई? जगदम्बा हुई ना। हाँ जगदम्बा के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, नहीं ज्ञान चंद्रमा। हाँ ये पसंद की। अच्छा सोच करो, क्या विचार करते हो, छठे नंबर की चाहिए या पहले नंबर की चाहिए? कल तो चले जाते हो है? पहले से ही बता दिया सन 67 में। सन 67 में है, चलो भले जिंदा रहे, और फिर बाद जब कल होगा, बाबा के लिए तो कल ही है ना। शिव बाबा के लिए क्या लगता है ये दुनिया, आज और कल? तो 68 पूरा हुआ और कल तो चले जाएंगे, रहेंगे है? कल तो चले जाएंगे, चले जाते हो। किससे बात कर रहे हैं? हाँ दाढ़ी मुझे वाले ब्रह्मा से बात कर रहे हैं। फिर पता नहीं कभी कब मिलेंगे, जब चले जाते हो फिर तो सूक्ष्म शरीर मिलता है के साकार शरीर मिलेगा? सूक्ष्म शरीर पता नहीं कब मिलेंगे, कितने साल बाद मिलेंगे। हाँ क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी में तो शिव बाप आते नहीं है। आते हैं? नहीं आते, वो तो साकार शरीर में आते हैं ना। पतित शरीर कौन सा बनता है, साकार या आकारी? आकार तो भूत प्रेत बन जाते हैं, न उनका पाप बनता है न उनका पुण्य बनता है। तो बताया पता नहीं कब मिलेंगे बाबा को, बाबा को बड़ा दुख हो रहा है शिव बाप को, पता नहीं कब मिलेंगे है? अरे शिव बाप को पता नहीं तो किसको पता होगा है? ऐसे ही बोल दिया। किसी ने कहा हम बाबा के समय ले लेंगे, आपसे समय ले लेंगे, ये बार हम जाएंगे तो 6-8 महीने के बाद हम फिर आ जाएगा आपके पास, प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पवित्र जरूर रहेंगे। क्या कितना टाइम बताया है? 8-6 महीने के बाद फिर आएगा, कोई ने कहा। अच्छा 6-8 महीने के पीछे प्रतिज्ञा करेंगे है? तब तक अभी प्रतिज्ञा नहीं करेंगे है? तब तक अभी फिर अंदर के अंदर फिर बात रखी हुई है, कि 6-8 महीने हम फिर है? क्या पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, 6-8 महीने के बाद करेंगे, तब तक और मजे ले लें। अच्छा 6-8 महीने के बीच में पूछा, उसके बीच में प्रतिज्ञा नहीं करेंगे? और तुम कितने वर्षों से रह रहे हो है? कोई बाबा के पास रह रहा होगा तो बाबा ने उससे पूछा तुम कितने वर्षों से रह रहे हो? किसी ने कहा जी बाबा सुबह को इनको आ जावे कुछ जज की है, जज की कोई आर्डर निकलती है ना कि भाई इस तारीख को प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो जज की कोई आर्डर आ जावे। तो भाई ने कहा हाँ बाबा सवेल में उठ करके और यहां आए, अरे बाबा है, अरे बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं। भाई ने कहा यही मैं अभी सोच कर रहा हूं। क्या? वो प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा हूं अंदर अंदर, क्या कि करूं या न करूं, कौन सी प्रतिज्ञा याद रहेगी नहीं है? सोच रहा हूं क्या कि एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। एक शिव बाबा के साथ जो कुछ भी करूंगा, इंद्रियों का लेन देन करूंगा, बाबा से सुख लूंगा और कोई से नहीं, विचारी सुख नहीं लूंगा, ये प्रतिज्ञा करूंगा। अभी सोच रहा हूं, अरे तो क्या कहेंगे, जाट को कहेंगे? जाट को तो नहीं हुआ, पतंगे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास पतंगे कौन से होते हैं? आए और झट से क्षमा में मर गए, देव को देवान को छोड़ दिया, खलास कर दिया, दुनिया का सुख अब नहीं लेना, खत्म। और दूसरे आए और कहीं मूछ या टांग जल गई थोड़ी सी क्षमा के पास आके, बस भाग गए, भाग गए, तो फिर आए, फिर भाग गए, फिर आए, फिर भाग गए, आना जाना करते रहते हैं। तो वो हुए सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास कौन? एक बार आए और मूछ या टांग या हाथ जल गए, बस भाग गए, तो भाग गए, फिर कभी आए नहीं। अच्छा हाँ, देखो सोच कर रहे हो, बड़ा लंबा कर दिया। नहीं, ये है सयाना जरूर। क्या? कम से कम सोच तो कर रहा है, है? और जो ऐसे कैसे होते हैं वो तो सोच भी नहीं करते कि हाँ हम पवित्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ ये है सयाना जरूर। सयाने माने बुद्धि चलाने वाला है कि नहीं? हाँ, नाम भी अच्छा है। अच्छा नाम है, है? और यही एक है, है? शास्त्रों में भी इसका नाम बड़ा प्रसिद्ध है। क्या? हाँ, इसका नाम क्या प्रसिद्ध है? कोई शास्त्रों में ऐसा नाम प्रसिद्ध है क्या? बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ क्या? क्या च्यवन ऋषि? च्यवन ऋषि तो वो डॉक्टर थोड़ा ही था, वो तो अंधा था, उस अंधे को आंखें दे दी। हाँ तो देखो सोच रहे हो, है बड़ा सयाना, नाम भी अच्छा है, और यही एक है जो बाबा को आकर के यहां मिला है। क्या? और कोई नहीं मिला, बाबा को आकर के यहां मिला है। यहां मैंने कहा इस घर में, यहां मिला है और फिर यहां रह करके भी गया है। क्या? ये क्या कह दिया? यहां मिला है और यहां रह करके भी गया है, ये क्या कह दिया? रह के गया, रह के गया? अरे बाबा ने बोला तो झूठ बोला होगा क्या? नहीं तो कब रह के गया? कब? लिखो है? हाँ, कल पूर्व रह करके गया है। बहुत अच्छे। हाँ ये भी फिर बंदर की बात है ना, कल पूर्व में भी रह के गया है, अभी फिर आया है, ये वंडरफुल बात है ना। तो इसलिए फिर से जो यहां आया है तो जरूर कुछ दिखलाने के लिए आया है, कुछ करके दिखलाएगा, है? और सच्ची कमाई इसको कहा जाता है बच्ची, है? ये जो दिखलाने आया है जरूर दिखलाने के लिए आया है, दिखलाना बात अलग, और सच्ची कमाई क्या है? और सच्ची कमाई तो इसको कहा जाता है, इसको माने किसको? सच्ची कमाई कहा जाता है किसको? पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करना, यह है सच्ची कमाई। 21 पीढ़ी नहीं है कि भाई 21 पीढ़ी हम पवित्र रहेंगे और फिर बाद में नहीं रहेंगे, परंतु बच्चे
ये कोई कम से कम 50 पीढ़ी तो बहुत, जो बहुत धनवान होते हैं वो 50 पीढ़ी है ऐसे पवित्र रहते हैं कि क्या क्या पवित्र रहते हैं कि पराई स्त्री को लेना पसंद नहीं करते। कल दुर्गादास का मिसाल दिया था ना, हाँ, तो दुर्गादास जो है कैसा राजा था है? युद्ध में मुसलमानों से जीत गया, उनकी वो मुसलमान तो हार गए, भाग गए भाग गए, और अपनी जो हरम को थे है, बेगमों को छोड़ गए। तो दुर्गादास ने उन बेगमों को अपने पास नहीं रखा, उन्हें उनके घर उन मुसलमानों के पास पहुंचा दिया। तो पराई स्त्री को ग्रहण किया क्या? नहीं। हाँ, तो कम से कम 50 पीढ़ी तो बहुत धनवान होते हैं। क्यों? क्योंकि 50 पीढ़ी तक पराई स्त्री पर नजर नहीं जाती। हाँ, तो 63 में से 50 पीढ़ी 50 जन्म निकाल दिए तो कितने बचे है? 13 जन्म बचे। तो 13 जन्म में कब से कहें ज्यादा गिरना शुरू हुआ है? ज्यादा गिरना 13 जन्म से ज्यादा गिरना शुरू हुआ। हा, 13 मध्य कलयुग में, जब से मुसलमानों का राज्य आया ना, ये मुसलमान बड़े बेविचारी होते। तो बताया 50 पीढ़ी बहुत धनवान रहते हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो तब हो जबकि सूर्यवंशी के पीछे ये सब आवे, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन वगैरह सब आवे, तो अब लड़ाई शुरू हो है। तो पहले ये इस्लामी आते हैं, उनका नाम इस्लामी क्यों? जब ये आते हैं इस दुनिया में, जब ये आते हैं इस दुनिया में तो ये लाम लगा देते हैं आने वालों की। ज्यादा जनसंख्या परमधाम से उतरती आत्माओं की इस दुनिया में या थोड़े उतरते हैं? हाँ, बहुत उतरते हैं। ओम शांति।